देखिए कुछ लोग अभी भी सिलेबस का पूछ रहे हैं, आज इंस्ट्रक्शन आ चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ इंस्ट्रक्शन ये लिखी है, रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट है, इसको क्लिक कीजिए डिटेल यहाँ, ओपन लिंक, ओके ये इंस्ट्रक्शन इतनी दी हुई है, रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइब्रेरियन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ पंजाब, रिटन टेस्ट विल बी होगा कितने मार्क्स होगा 20th 21, ये रहा ये डेट है इसकी, और डिटेल डेट शीट विल बी अपलोडेड लेटर ऑन, अगर पेपर डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट डेज में होता तो डेट शीट होगी, लेकिन मुझे जो अभी तक सूचना मिली है कि आपके पेपर जो है वो प्रिंट होने वो प्रोसेस में चल पड़े हैं, प्रिंट होने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी आपका पेपर कंडक्ट कर लेगी, अगर कोई टेक्निकल या कोई रिट वगैरह नहीं होती, कोई कोर्ट केस नहीं होता तो प्रोसेस इतनी तेजी से होगा, आपको हर हालत में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक। रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, ये भी क्लियर है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब गैस वर्क को अलो किया गया है, आप लगा सकते हो, देयर विल बी 100 MCQs, ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच 1 will be correct, जैसे आपको पता है UGC नेट का एग्जाम आपने दिया है, the most important part, syllabus for written test will be as per UGC net in the respective subject, for example आपका subject psychology है, okay, तो आप नेट का साइकोलॉजी का सिलेबस, अगर आपका एजुकेशन है तो आप नेट का एजुकेशन का सिलेबस, अगर कॉमर्स है, पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसका नेट का जो सिलेबस यूजीसी ने दिया गया है वही आपका सिलेबस होगा इस टेस्ट के लिए। अभी ये वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन ये शब्द क्लियर करता है कि आपको फर्स्ट पेपर नहीं, आपका जो मेन पेपर होता है आपके सब्जेक्ट का, वो सिलेबस आपका होगा, उसमें से क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो गया है यहां तक। तो अभी अपना जो पेपर है, सॉरी, जो आपका सिलेबस है यूजीसी नेट का अपने सब्जेक्ट का जिसके आप पोस्ट फिल कर रहे हो, उसको डाउनलोड कीजिए और फोकस कीजिए कि आपने तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपके पास बहुत कम, लगभग 3 हफ्ते बचे हैं, ठीक। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे रिट करेंगे या ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो भी मैं बता देता हूं, लेकिन वो चलता रहे। आज कुछ लोग मुझे मिले थे, उनसे इंटरेक्शन हुई है, लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो तैयारी नहीं कर रहे, आप इसको पोस्टपोन मत कीजिए, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट जो रुकावट नहीं आती तो ये इस दिन को एग्जाम हो जाएगा, हो सकता है महीने तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाए, ठीक है, इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, आपको सब पता है। जो एक दो बातें हैं, जो क्वेश्चन बार बार मैं एक दो क्वेश्चन आगे भी डिस्कस कर लेता हूं जो फॉर्म फिल करने में आपको आ रही है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जो 37 से प्लस हैं जिनकी एज, लेकिन वो कैटेगरी में एलिजिबल हैं, फॉर एग्जांपल उनकी 40 एज है तो वो डिवोर्सी हैं या फिर किसी और कैटेगरी है जिसमें रिलैक्सेशन है, लेकिन वो पोर्टल उनको उठा नहीं रहा जब वो 40 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अथॉरिटीज तक बात पहुंचा दी है आपकी, कल तक इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट था, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन गई है उन लोगों की जिनकी एज ओवर ज्यादा हो चुकी है, तो आज शायद उसका नोटिफिकेशन कल तक हो सकता है, आज शायद मीटिंग भी हो गई है, एक ये खबर थी, लेकिन जो मैंने किसी रेलिवेंट पर्सन से बात किया है उन्होंने कहा है शायद कल शाम तक नोटिफिकेशन हो जाएगी। नोटिफिकेशन के होने के बाद वो पोर्टल को चेंज करेंगे कि 37 से प्लस उठाएं, आपका जो आपकी प्रॉब्लम है जायज है, अभी तक जो आप एलिजिबल हो वो उनको नहीं उठा पा रहा, और जो
फोन कर रहे हैं, जो तीन इंक्वायरी के नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर नंबर भी होंगे, चलो छोड़ो, उन तक वो फोन भी जहाँ उठाएंगे, जहाँ उनका मैसेज, जहाँ जो भी क्वारी होगी, हमारी ये प्रॉब्लम है, आंसर नहीं हमें मिल रहा, वो कल तक मिल जाएगा, ठीक। तो जैसे ही आंसर मिलता है आपको कन्वे कर दूंगा। तो दूसरा वेट भी करनी है कि जिनकी अगर 42 हो जाती है, एक कैटेगरी ये है कि 42 मिनिमम होगी ही, वो ये श्योरिटी है। दूसरा 45 की आस हो रही है कि 45 हो जाएगी। अगर 45 हो जाती है तो आपको 5 साल और रिलैक्सेशन किसी कैटेगरी हो, तो वो तो 50 तक पहुंच गए ना, तो फिर ये पोर्टल की प्रॉब्लम जो सारे कैंडिडेट्स को आ रही है, तो वो जब तक अथॉरिटी तक पहुंच भी जाएगी, पोर्टल ठीक भी हो जाएगा। अभी तक पोर्टल गलत चल रहा है, ठीक। तो मेरे ख्याल में आप फॉर्म की अभी इतनी ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ये डिसीज़न होने के बाद ये चेंजेस आ जाएंगी, जब तक आप अपने एनर्जी स्टडी करने पर लगाइए। तो मैं अगर यूजीसी नेट का सिलेबस है तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट आई हैं, कुछ मुझे पेड भी कह रहे हैं कि पेड मैंने कभी ऐसे दी नहीं है कोचिंग वगैरह, तो मैं एक अटेम्प्ट करूँगा आपको, जो कॉमन आपका कोर करिकुलम होता है, जो सभी के लिए एसेंशियल होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च आपके, कोई भी आप हिस्ट्री के हो, इकोनॉमिक्स के हो, कॉमर्स के हो, पंजाबी के हो, एजुकेशन के हो, साइकोलॉजी के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, रिसर्च इज़ कॉमन। या और भी कोई कॉमन है तो उसको मैं टीच कर सकता हूँ। रिसर्च का आपका जो अगर 100 मार्क्स का आएगा तो मेरे हिसाब से मिनिमम 15 to 20% जो क्वेश्चनिंग है वो रिसर्च के इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक। तो दूसरा मुझे कहा भी यही जा रहा है कि रिसर्च की हमें प्रॉब्लम है, आप कॉमर्स वाला एक कॉमर्स के कंटेंट को टीच भी कर रहा है और उसको लर्न भी कर लेगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से अगर आप जैसा कहते हो, कल से हो सकता है मैं ब्रीफ क्लासेस लगानी शुरू कर दूं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा डाल दूंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में, जो भी ये वीडियो देखते हैं और क्लासेस लगाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि यस या इंटरेस्टेड इन क्लास, यस लिखिए इन इंटरेस्टेड इन क्लास, और आपका कोई शेड्यूल है, टाइम है, सुजेशन है साथ में, वो लिख दीजिए, क्योंकि अभी मैं ज़ीरो से चल रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी रिसर्च की, क्योंकि मैं नेट की के लिए जो वीडियो मैंने बनाई थी वो लंबी वीडियो है, आपके पास टाइम बहुत कम है, वैसे मैं वो अपलोड कर दूंगा, वो काम नहीं आएंगी आपके ज़्यादा, क्योंकि वो बेस है। जैसे मैंने शुरू करने लगा था मैं कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज से शुरू रिसर्च होगी, कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज को है, लोएस्ट जो सोर्स है नॉलेज का कौन सा है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, वो सोर्सेज ऑफ नॉलेज आपको अक्सर रिस्पांस जो एमसीक्यूज आते हैं उनके में पूछे जाते हैं, तो उनकी नॉलेज भी ब्रीफ में चाहिए होगी, तो वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो उनको स्किप करके देखना है आप, देख लेना। कल से कोशिश करूंगा गूगल मीट या जूम पर, गूगल मीट पर कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस यहाँ ऐसे ही लगाऊं, वो क्लासेस अब पीपीटी नहीं इतनी ज़्यादा बना सकूंगा, ना ही इतनी ज़्यादा आपके लिए अरेंजमेंट वीडियो पिक्चर्स ला सकता हूँ, कोशिश करूँगा बोर्ड पर ही, जैसे आपका फोकस होगा, जहाँ इंटरेस्ट होगा, जहाँ क्वेश्चनिंग होगी, वो रिसर्च की जो है इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, हम क्या क्या पढ़ सकते हैं नॉर्मली सभी सब्जेक्ट में, जैसे रिसर्च क्या होती है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, अप्रोचेज ऑफ रिसर्च, मिक्स मेथड अप्रोच है, ओके, रिसर्च में जो स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, वो क्या होते हैं, अच्छा सैम्पलिंग है, पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है, आपका हाइपोथेसिस है, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, कोरिलेशन है, टी टेस्ट है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है मेजरमेंट का, टूल्स, टेक्निक्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन आपके स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ये कॉमन बातें हैं, इन पर क्वेश्चन आएंगे ही,
इनकी नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए, आपने पीएचडी करनी है, ये टेस्ट देना है या नेट करना है, तो मैं इन पर फोकस करूंगा नेक्स्ट, कल से ही कोशिश कर रहा हूं, जितना भी मैं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि आपको टीच कर सकूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं ये कह रहा हूं। तो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन क्लास, और फिर मैं जैसे भी है लिंक आपको भेज दूंगा। टाइम क्या रखना है वो भी आप बता देना। इसके अलावा एक दो बातें जो आपकी प्रॉब्लम फॉर्म फिल करने में आ रही हैं वो मैं बता दूं आपको, यहाँ से माइनस करेंगे ये कमेंट्स जो आए हैं उनके एक दो के आंसर दूंगा। बाकी चलो भाई, जैसे इंफॉर्मेटिव, थैंक यू, सिलेबस का हो गया, ठीक है। सर मैंने 2000, ये एज का भी हो गया, एज का डिसीजन आने वाला है। ओके सर, पंजाब में बीएड एडमिशन ग्रेजुएशन, ये नहीं, ये बीकॉम के सारे, ये पूछ रहे हैं कि कितने सब्जेक्ट जो हैं आपने फिल करने हैं, आपको स्पेस मिलती है, तो आप कोड नहीं फिल करोगे, ये कोड पूछा गया है, कोड ना फिल करो, आप अपना सब्जेक्ट का नाम फिल करो, जो जैसे कॉमर्स का इनका है तो आप अपने कॉमर्स के जो आपने एम कॉम में स्टडी किए हैं उनके सब्जेक्ट के नाम फिल करो। अगर स्पेस कम होती है तो ऑलवेज प्रेफर कोर करिकुलम, कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट वो होते हैं जो किसी भी कोर्स के लिए एसेंशियल, जैसे जिसको आप कंपलसरी कह देते हो। फॉर एग्जांपल हमारे एजुकेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ना, एजुकेशनल रिसर्च, ये कॉमन है। कोई भी एमएड आप स्पेशलाइजेशन की कोई भी करो, एमएड में ये पहले पढ़ने पढ़ने हैं, फिर नेक्स्ट जाके कुछ ऑप्शंस होती हैं, तो आप कंपलसरी सब्जेक्ट जरूर फिल करो। अच्छा, अगर नेट का कुछ पॉसिबल होता है, भी नेट वाले बार बार पूछ रहे हैं कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा है कि जैसे ओवर एज वाले जाके मिले हैं, रिप्रेजेंटेशन दी है मिस्टर कृष्ण कुमार जी को, आप भी जाके मिलिए, वो काम आपने करना है। आपको मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, जहाँ गाइड कर रहा हूँ, जहाँ मोटिवेट कर रहा हूँ, आपने इकट्ठे होके 2, 4, 5, 7, 8, 10 जाने इकट्ठे होके आप अपने जो जस्टिस के लिए जा सकते हैं, वो सुन रहे हैं, वो अच्छे हैं, तो ये आपको जाना होगा, हो सकता है। ओके सर, फॉर्म करते टाइम उसमें सीजीपीए के साथ कन्वर्जन का फार्मूला ये बता दिया था कि वो आपके पीछे कन्वर्जन का फार्मूला जो डीएमसी है उसके पीछे लगा है, वही आपने बताना है। एक कुछ पूछ रहे हैं कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देखिए, सारे डॉक्यूमेंट आपके लगभग वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको मंगवाए जाएंगे, तब आपके पास ओरिजिनल चाहिए। अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्म में ही जा रही है, ठीक, तो उसकी चिंता मत कीजिए, उसकी करेक्शन करेक्ट हो, वो इन्फॉर्मेशन आपकी गलती वाली नहीं होनी चाहिए, और मार्क्स वगैरह आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, डिग्री जो पीएचडी वगैरह है अकॉर्डिंग टू रूल्स होनी चाहिए, ये बातें आपको ध्यान में रखनी की है, ये बात हो चुकी है। दिक्कत है फॉर्म, बताइए सर नेट का, प्लीज़ रिप्लाई। और क्या है यहाँ पर, और दूसरा देख लेते हैं, ये भाई साहब टीच कर रहे हैं, अच्छा, थैंक यू सो मच रियली बीएड सर, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट डिप, हाँ ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो ये जैसे इनकी रसीद पेमेंट शो नहीं हो रही लेकिन पैसे कट गए हैं, ये होती है, इसकी चिंता मत कीजिए। जो फ़ोन नंबर 3 दिए गए हैं वहीं पर आप बात कीजिए, मैंने ये बात पहुंचा दी है वहां पर कि फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, ठीक, तो कल का एक्शन दोबारा देखते हैं होता है कि नहीं। सर कैन आई मेल यू फॉर, यस आप मेल कर सकते हो, मेल ये करना चाहते हैं, मुझे मेल कर सकते हो आप, मेल एड्रेस वो नहीं, मेल एड्रेस चलो मैं कोई और देता हूँ, दूसरा मेल एड्रेस। सर जी मेरी, इन पर मैं इंडिविजुअली जवाब दूंगा आपको। सर जी मेरी पीएचडी परस्यूइंग है, अगर आपकी कोई डिग्री परस्यूइंग है आपने कंप्लीट नहीं की, उसकी वेटेज नहीं मिलती, उसको फिल करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ फिल आपने करनी है कर दीजिए, लेकिन उसकी वेटेज नहीं मिलेगी, आप परस्यूइंग करके अगर फिल होती है तो फिल कर दीजिए, कोई भी डिग्री कंप्लीट होने के बाद उसकी वेटेज मिलती है।
सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एनओसी अपलोड करनी पड़ेगी या नहीं? अभी तक कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ये सारे वेरीफाई जब होने हैं डॉक्यूमेंट, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, मेरिट में आ जाओगे, तब ये करना पड़ेगा। सर आई वर्कड एज ए पार्ट टाइम टीचर इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2.5 मंथ्स आई एडेड दिस। सिर्फ एक्सपीरियंस वो किन का होगा? 3 जनों का है जो गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस उनमें पढ़ा रहे हैं, आइदर गेस्ट फैकल्टी, सेकेंड कॉन्ट्रेक्चुअल और थर्ड पार्ट टाइम। ठीक है, इनकी डिवीजन, इनकी आज इंटरव्यू ली थी गवर्नमेंट कॉलेज में जो टीच कर रहे हैं। गेस्ट फैकल्टी को 21,600 मिल रहा है, सबसे कम को इनमें रखा है, और मेरे ख्याल में कॉन्ट्रेक्चुअल को सबसे ऊपर रखा है, शायद 53 के करीब इनको मिल रहा है, और मिडल में रखे हैं इन्होंने पार्ट टाइम वाले। ठीक, ऐसे नजदीक नजदीक हैं ये। तो ये क्वेश्चन थे, इसके अलावा आपकी कोई क्वारी हो कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश कर रहा हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं साथ साथ में करता हूँ। काइंडली अगर क्लासेस लगानी है किस मोड में, जब मैं वीडियो बना के डालूँ, जैसे भी आप लाइक करते हो, अगर वीडियो आप लाइक करते हो, वीडियो में आपके कंटेंट की जो भी हो सकता है उसकी डालो, तो आप लिख दीजिए इंटरेस्टेड इन वीडियो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड इन क्लास हो तो इंटरेस्टेड इन क्लास लिख देना। थैंक यू।